जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग, ऐसे आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, श्री पदमचंद जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी, श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जैलेश जैन एवं कुशल जैन, समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया, सीहोरा, 9630555001, वैभव जैन, बड़ा मलेरा, 9977434343। समय विश्व धर्म की जय। बोलिए आचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर महामुनिराज की जय। बोलिए समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। शासन बंधु आचार्य प्रभु भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायसी काजी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जगते पर जीव को जीवत्व को समझना प्रत्येक मानव का धर्म है। जब तक जीवत्व का बोध नहीं होगा तब तक परमात्म तत्व का बोध असंभव है। जीव का निर्णय जिसके पास है वही जीव अहिंसा का पालन कर सकता है। जीव का निर्णय जिसके पास है वही जीव सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन कर सकता है। जिसको जीवत्व का निर्णय नहीं है उसके पास सम्यक का भी निर्णय नहीं है। कहां कहां जीव है इसे जानिए, कहाँ कहाँ जीव है इसे जानिए, कौन कौन जीव है इसे जानिए, कहाँ कहाँ जीव है इसे जानिए, कौन कौन जीव है इसे भी जानिए। जहाँ जहाँ जीव है उसे ही जीव मान लेना यही अज्ञानी की पहचान है। जहाँ जहाँ जीव है उसे ही जीव मान लेना ये अज्ञानी की पहचान है। जहां जहां जीव है वो जीव नहीं है, वो जीव स्थान है। जो जीव है वो जीव स्थान में तो हो सकता है पर स्थान जीव नहीं होता। गुड़ स्थान में जीव है, मार्गण स्थान में जीव है, पर्याप्ति में जीव है, प्राण में जीव है पर ये सब जीव नहीं है। जीव स्थान में जीव है। जैसे कि वर्तमान में आप सभी निमिया घाट में हैं, आप निमिया घाट में हैं, आप निमिया घाट में हैं, सम्मेशिखर के अंचल में है, लेकिन आप निमिया घाट नहीं हो, निमिया घाट आप नहीं हो, लेकिन निमिया घाट में हो।
मैं निमिया घाट नहीं हूँ, निमिया घाट मैं नहीं हूँ, मैं निमिया घाट में हूँ, विषय समझना। लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी अज्ञानी ने इस पंडाल पर कोई पत्थर पटक दिया, मैं पंडाल नहीं हूँ, मैं पंडाल नहीं हूँ, पंडाल मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई पंडाल पर पत्थर पटकता है तो पंडाल में बैठे जीव को कष्ट होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से देह मैं नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह मैं नहीं हूँ, लेकिन पंडाल पर पड़ा पत्थर या नीचे बैठे लोगों को कष्ट देगा। इसी प्रकार से देह में बैठी आत्माओं को कष्ट होता है, इसलिए किसी पर पत्थर नहीं पटकने का। एक दृष्टि समय सारजी ग्रंथ में इंद्रिय आदि जड़ हैं ऐसा कथन करेंगे। जीव कांड जी ग्रंथ में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय जीव द्रव्य हैं ऐसा कथन करेंगे, पर दोनों ही कथन अपनी अपनी दृष्टि से सत्य हैं। किसी बालक ने ये सुन लिया कि इंद्रियां तो जड़ हैं, ये जीव थोड़ी हैं, वो ऐसा सोच करके, सुन करके अज्ञानी ने चींटियों पर चलना प्रारंभ कर दिया, चींटियों पर चलना प्रारंभ कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी ने कहा था तो शरीर है, आत्मा थोड़ी है। हे बालक ऐसा मत करना, उस शरीर अवश्य, लेकिन उस शरीर में अभी सदैव सुधीर प्रमाण आत्मा है। शरीर के कुचलने से आत्मा को कष्ट होगा, हिंसा का पाप लगेगा और पाप का बंद होगा। इसलिए समय शार जी को समझते समय हमें जीव कांड जी का ध्यान रखना चाहिए। अब जीव कांड को पढ़ते समय आपको समय सार का भी ध्यान रखना चाहिए। उस बात को यहां समझा रहे हैं गाथा क्रमांक 121 में पंचायती का जी में। पहले तुम ये समझे ये सब जीव हैं, गजाइया जीव हैं, छोटे छोटे जीव जीव हैं, ये अवगाहना को प्राप्त हैं, पर जीव हैं। शरीर की अवस्था को देख करके जीवों को आप हे मत समझिए। ज्ञानी जैसे असंख्या प्रदेशी आप हैं, ऐसी असंख्या प्रदेशी वो जीव है जो चींटी से भी छोटा है। आत्मा के अंदर संकोच विकास नाम की शक्ति है। छोटे शरीर में आत्मा छोटी हो जाती है, बड़े शरीर में आत्मा बड़ी हो जाती है, लेकिन आत्मा के प्रदोषों का कोई अभाव नहीं होता। आत्मा के प्रदेश तो बराबर ही रहते हैं। अब जहां आपकी दृष्टि में बड़े बड़े जीव दिख रहे हैं माताओं, वहां तुमको करुणा बरसती है, लेकिन हे मां जिन वस्त्रों को जीव मनुष्यों ने धारण किया है, उन मनुष्यों ने जो वस्त्र धारण किए, उन वस्त्रों पर जो आपके शरीर का पसीना लग चुका है, उस पसीने से युक्त वस्त्रों को जब आप उबलते पानी में धोने जाते हो, चाहे ठंडे पानी में धोते जाओ, वे कोटि कोटि जीव सब समाप्त हो जाते हैं। सब समाप्त हो जाते हैं। निर्वस्त्र होना दिगंबर परंपरा का कोई शौक नहीं है, इस शौक नहीं है। जब कोटि कोटि जीव उन वस्त्रों में निचोड़ते दिखते हैं, उन जीवों को नहीं हम निचोड़ सकते महाव्रती, इसलिए वस्त्रों को धारण नहीं करते, अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। द्रियात्मक हिंसा, भावात्मक हिंसा,
द्रव्यात्मक हिंसा, भावात्मक हिंसा, जो नाली में पानी बहा है उस नाली में कोटि कोटि जीव तड़प तड़प के मरे हैं, वो जीव की द्रव हिंसा हुई है। अच्छे कपड़े हैं, अच्छे धुले हैं, चमक रहे हैं, ये भाव हिंसा चल रही है। दोनों हिंसा का त्यागी जैन मुनि होता है, इसलिए वस्त्रों को धारण नहीं करता। जो जगत की अहिंसा, वो तो मात्र इतना मान के चले हैं, किसी ने कहा गाय का विघात मत करो तो किसी ने कहा बैल का विघात मत करो, तो क्या बंदर जीव नहीं है क्या, भैंस जीव नहीं है क्या, बकरियां जीव नहीं है क्या, मुर्गियां जीव नहीं है क्या, मछलियां जीव नहीं है क्या? जैन दर्शनियों कहता है गाय की भी रक्षा करो, शेष जीवों की भी रक्षा करो। शेष जीवों की भी रक्षा करो, अहिंसा की उस सीमा के पास चलो जहां पर एक निर्गंत योगी को खुजलाहट आ जाए। बनारस पंडित जी बिना पिच्छी के मार्जन किए अपने शरीर के अंग को भी नहीं खुजाते, बोले हिंसा। फिर यदि जैन शासन की अहिंसा का आश्रय विश्व ले ले तो किसी विश्व के राष्ट्रों में राष्ट्रों के स्वामियों को एक कहना ही नहीं पड़ता, आप दूरी बना के चलिए। जैन दर्शन ने इसको सनातन काल से कहा है कि परस्पर में दूरी बना के रखिए। जैन दर्शन ने इसको सनातन काल से कहा है एक दूसरे के झूठे पात्र भोजन मत कीजिए। जैन दर्शन ने सनातन काल से कहा है ये तुम ग्रस्त हो एक दूसरे के वस्त्रों को धारण मत कीजिए। भोजन की भूख लगी है किसी को, तुम मेहमान को परोसना चाहते हो, परोस करके उसको स्वतंत्र थाली में भोजन करने दीजिए, उसके साथ भोजन मत कीजिए। एक दूसरे के साथ भोजन करना कोई प्रेम नहीं है मेरे मित्र, एक दूसरे को रोग ना लगे ये प्रेम है। दूसरे के थाली में बैठ कर खाना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पद्धति खाने की, कोई पांचों अंगुलियां अंदर ले जाता है अनमेश, कोई दूसरी लेता है, और उसके साथ तुम बैठे जो पांचों उंगलियां मुख में ले जाता है, सेठी पांचों उंगलियां मुख में ले गया, और मित्र ऐसी कोई सामग्री खा रहे थे जो मुख में गई फिर उसी कटोरी में गई, पूरी सामग्री में द्वारा उसके जूठन लार का स्वाद चख रहे, दूसरे की लार का स्वाद चख रहे हो। न ये दुलार है ना लार है, दूसरे की लार को चाटना कोई दुलार नहीं है मेरे मित्र, कोई प्रेम नहीं है। दुलार वो है, प्रेम वो है, स्वतंत्र थाली परोसकर उसको खिलाओ, न तेरा रोग मेरे में जाए न मेरा रोग तेरे में जाए। फिर जो चम्मच से खीर खाने वाले भी तो बिल्कुल भागी लोग, एक ही चम्मच को लेकर के वो मुख में गई चम्मच, फिर बाहर आई चम्मच, फिर खीर में गई चम्मच, फिर रबड़ी में गई चम्मच, फिर मुख में गई चम्मच, मालूम चला सारे मुखों में वो चम्मच चली गई। ओहो हो, अब कह रहे कोरोना ना हो, कोरोना ना हो, दूरी इतनी बना रहे लेकिन होटल का भोजन कर रहे हो ना, तो कोरोना क्यों नहीं होगा? दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। मां भले तुम्हारा ही बेटा क्यों ना हो, अपने स्वयं के गिलास का पानी यदि सच्ची मां हो तुम, अपने बेटे को नहीं पिलाना, उसको दूसरा गिलास देना। आप तो एक दिन प्रयोग करना, अभी नाक नहीं सिकोड़ना लेकिन प्रयोग करना, अपनी मुख की लार निकालना उंगली पर और सूंघना,
अपनी मुख का थूक निकालना और अंगुली पर रखकर सूंघना, फिर आप देखना कैसा लगता है, उसमें दुर्गंध आती, दुर्गंध। फिर तुम्हारे मुख में गया गिलास, अपने बच्चे को तुम पिला रही हो, मुख का क्या दुर्गंध दे रही हो। इसलिए जैन मुनि किसी के पात्र में भोजन नहीं करते हैं, जो कि दूसरे के मुख में जाए पानी पात दिगंबरा। अहिंसा, विवेक, झूठे के दूसरे के झूठन लार के पात्रों को जैन मुनि स्वीकार नहीं करते। इसलिए मालूम गिलासों से न दे करके लोटे से देना चाहिए आपको, क्योंकि लोटा कोई मुख में नहीं डालता। इसलिए महाराजों को जब पानी दो ना तो लोटे से दो, वो गिलास क्या ना तुम मुख में डालती हो, उन मुख में डले गिलासों से महाराजों क्यों देना, लोटे से दो। यानी यदि गिलास से देना है तो जो गिलास किसी के मुख में न गया हो, यानी यू अहिंसा, अहिंसा। भूखे व्यक्ति को विवेक नहीं, और विवेकहीन के पास अहिंसा कहां। भूखे व्यक्ति के पास विवेक नहीं और विवेकहीन के पास अहिंसा कहां। जितना आपको चलता है उतनी थाली में रखिए भोला, तुम्हारा झूठन कौन खाएगा। इसलिए मित्र श्रेष्ठ मार्ग जैन परंपरा में है, चक्रेश उतना थाली में रखिए जितना खा सको, वो खाने के बाद थाली छोड़ के मत जाइए, थाली धोकर के पी के जाइए। यदि थाली पी के जाएंगे तो चीटी जी रांची उसमें मक्खी मच्छर चीटी आके नहीं मरेंगे। ये इसलिए नहीं कि इसके खाने के लिए घर में नहीं सुख थाली पी रहा है, सत्य ये अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए थाली पी धो रहा है। इसलिए झूठन छोड़ने वाले लोग क्रूर हैं। स्वाद नहीं आया इसलिए छोड़ के चले गए। मित्र तो आपको एक ग्रास लेके स्वाद चख लेना चाहिए। मालूम मुरिराज का हेतु देखिए, पाणिपाद दिगंबरा जो अंजलि में आहार ले रहे हैं उनके हाथ में जितना दिया उतना ही उनका है, बाकी थाली खराब नहीं हुई है। वे किसी के भोजन को खराब नहीं करते हैं। यानी लोक में कहा जाता अन्न देव है, अन्य प्राण है, अन्य देवता है, उसको विकृत मत कीजिए, ये लोक की व्यवस्था है। लेकिन लोग भूखिन मरते हैं, तुम छोड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। महात्मा बोले त्रुप दृष्टि, ये भोजन की व्याख्या नहीं है, साथ में वस्त्रों को भी देख के चलिए। यदि आसी कपड़े सही हैं, नवीन दिख गए तो नवीन पहनना है, बेटे गहरे में जाइए, जो वस्त्र हैं कपास के हैं। जितने तुम वस्त्रों का दुरुपयोग करोगे उतना कपास के खेत के कपास के जीवों को विघात होगा, उतना आरंभ सारंभ बढ़ेगा। जब तक अंतरंग में प्रवेश नहीं करोगे तब तक अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे। यदि संपूर्ण सागर जी एक तुम कॉपी का कागज फाड़ रहे हो, बेटा जिस दिन अंतर में प्रवेश कर जाओगे तुम्हारा हाथ वहीं रुक जाएगा। एक कागज के बनने में कितने बांसों का प्रयोग किया है, कितने वृक्षों का प्रयोग हुआ है, आप लिख लीजिए। कम से कम व्यर्थ में फाड़ के नीचे मत गिराइए, क्योंकि उन वृक्षों पर भी दया कीजिए जिनके माध्यम से कागज बने हैं। कर्म फल चेतना को भोग रहे बेजीव, कर्म फल चेतना को भोग रहे बेजीव। ये भी मत मानिए कि यदि बनारसी पंडित जी यूं कहते महाराज जी हम चांदी के फूल चढ़ाएंगे, चांदी के फूल चढ़ाएंगे, अहिंसा का पालन करेंगे। मित्र
तुम जैन हो कि चार्वाक हो? यदि जैन हो तो मित्र उनको जब मैं वृक्ष के पुष्पों को विवेक से काम करना चाहिए तो फिर चांदी के फूलों के साथ भी विवेक रखना चाहिए। बोले क्यों? आखिर में चांदी आकाश से नहीं टपकती, वो भी चांदी जमीन से खनन करके निकाली जाती है, फिर उसको तपाया जाता है। कितने पर्वतों का खनन हुआ है, कितनी पृथ्वी कायकों का नाश किया गया है, कितनी अग्नि काय को नष्ट किया गया है, तब तप करके फूल बन के जाए चांदी के आए हैं। मेरे मित्र उनके साथ भी विवेक का प्रयोग होना चाहिए। विवेक का प्रयोग होना चाहिए पंडित जी, जमीन पर संभल के चलना, पृथ्वी का एक जीव की विराधना न हो जाए। पंडित घास पर पैर मत रखना, वनस्पति काहे की विराधना न हो जाए। यानी कितने पंखे चल रहे हैं, लैलो शांति हवा के, लेकिन जिनवाणी कहेगी वायु काहे की विराधना क्यों कर रहा है। मित्र जिनवाणी समझिए, ये मत सोचो कि सुविधा नहीं होगी तो क्या होगा। जीव हिंसा हो रही है, ज्ञानी ओ जल काय की विराधना मत करना। जिससे तुम पी रहे हो इतनी बहुत है, स्नान आदि कर रहे इतनी बहुत है, शुद्धि के प्रयोग कर इतनी बहुत है, कम से कम व्यर्थ में पानी का दुरुपयोग मत करो। क्योंकि ज्ञानी वो भी जीव है, उसमें भी जीव है। जल काय क्यों, जलचर भी हैं, उन जीवों की पर करुणा करो। अग्नि काय भोजन बनाए बिना इतना जीवन नहीं चलेगा ग्रस्तों का, लेकिन जितनी में आवश्यकता उतना ही प्रयोग करो ना। व्यर्थ में अग्नि काय को भी नष्ट मत करो, व्यर्थ में उनका भी विराधना मत करो। पांचों स्थावरों की रक्षा करो, जो व्यर्थ में प्रयोग नहीं करते वे देशवृत्ति हैं, वे किंचित भी किसी प्रकार से कृतकार्थ अनुमोदना से इनका प्रयोग नहीं करते वे महावृत्ति हैं। इसलिए पुण्य सागर जी, मात्र पिच्छी का मंडल लेके डोलते रहना, इससे बेटा मुनि पने का पालन नहीं होता है। प्रत्यक्ष में सामने दिख रहा है कि जिसको जिनागम में निषेध किया है वो ही पंखा तुम्हारे सिर पर चले तो मेरे मित्र कैसे जिनागम स्वीकार करेगा। आप वायु काय के जीव की रक्षा कर रहे हो। ऐसा भी नहीं होता है कि हम दूर बैठ जाएंगे तुम चला के चले जाने बोला, हम शांति से बैठे रहेंगे। हे मित्र कृतकार्थ अनुमोदना, ये तो आपने हिंसा भी की और मायाचारी भी की है, तो उससे तो त्रियंच बन जाओगे, क्रूर त्रियंच बनोगे, क्रूर त्रियंच बनेगा जीव, क्रूर त्रियंच। इसलिए ज्ञानियों, जिनवाणी क्या कह रहे हैं, जिनवाणी क्या कह रही है उसे सुनो। अभी पहले हमने जीव की सिद्धि की, ये जीव की सिद्धि इसलिए की है क्योंकि आप सामान्य जीव हो, अब ये जीव नहीं है इसकी सिद्धि करते हैं। ये जीव नहीं है इसकी सिद्धि करते हैं। अब आपको विभाग दृष्टि से कथन किया, अब परमात्म दृष्टि से कथन करते हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति जीव नहीं है, इनमें जीव है। जैसे शरीर मनुष्य का है, ये शरीर जीव नहीं है, इस शरीर में जीव है। कहीं कोई जीव इन देह को ही जीव न मान बैठे, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं चैतन्य जीव है, शरीर जड़ है, परंतु जड़ में जब तक चैतन्य है तब तक उसको व्यवहार से जीव स्वीकारो, अन्यथा जीव यूं कहने लग जाएंगे अज्ञानी, जो मांस खा रहे वो भी कहेंगे आप ही तो कह रहे थे इसमें जीव नहीं है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक व्यवहार नहीं से उसे जीव स्वीकार करके किसी भी जीव का मांस नहीं खाना चाहिए।
मांस नहीं खाना चाहिए तो ठीक है, चमड़े आदि की वस्तु का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा माता हूं? आपके पर्स में पैसे भाग नहीं जाएंगे, रूमाल में भी टिक सकते हैं, लेकिन चमड़े के पर्स में रख करके उन कोटि कोटि भैंसों की हत्या मत कराओ। आज की यदि एक गर्भ कल्याण की पूर्व बेला में इस सभा में जी आप लोग कुछ जान सकते तो इतना ध्यान रखो, मोबाइल के तुम्हारे कबर क्यों ना हो। यदि सच्चे अहिंसक हो तो आज इस वेदी पर नियम ले लो, कहेंगे हमारा सौधर्मिंद्र, सौधर्मिंद्र मित्र तेरे से प्रारंभ हो जाए। आज हम सौधर्म पद को प्राप्त हुए भैया, पूरे देश के लोग समझेंगे कोई बंबई का श्रावक सौधर्मिंद्र बना है, उसने प्रथम दिन ही स्वर्ग का इंद्र व्रत नहीं ले सकता, लेकिन मनुष्य लोक का सौधर्मिंद्र व्रत ले सकता है। आप दोनों इंद्रियों से नियम ले रहे हैं, चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, जूते चप्पल मोजे कुछ नहीं भैया, ठीक है, चल जाएगा, मत घबराओ चल जाएगा। मुख से बोलो, इन लोगों को समझ में आना चाहिए कोई आया है, कोई देव। आज से किसी भी चमड़े की वस्तु का बुद्धिपूर्वक प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, नोवा नमो अर्पण लो ज्ञानियो। इस सौधर्मिंद्र ने गलत किया कि अच्छा किया? यदि अच्छा किया है तो इंद्र की आज्ञा तुम भी मान लो। कितने लोग आज से नियम ले रहे हैं? बहुत बढ़िया, देख ज्ञानी, सौधर्मिंद्र ने नियम लिया तो इतने लोगों ने नियम ले लिया, तुझे पुण्य बंद हो गया इसका भी। बैठ जा, नोवा नमोकरण पढ़ लो सब लोग। अब लोग कहते नियम नहीं दिलाते, अरे यार होलसेल काम होता, कहाँ तुम छुटपुटी दुकानें चलाते हो। बहुत अच्छा, कम से कम इतने जीवों की रक्षा होगी। गदिया बोले नियम नहीं दिलाता, देखो कि नियम कैसे नहीं दिलाया, इतने मुनिराज ऐसे ही बन गए नियम नहीं दिलाया तो। आइए मित्र, किसी वस्तु का प्रयोग करना ही श्रेयस्कर नहीं है, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा इसका भी विवेक होना चाहिए। मालूम सौधर्मिंद्र क्या नाम भैया आपका? कौशल, कौशल मित्र, कौशल लोहड़िया। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में, कि मुड़राज ऐसी वस्तु भी ना रखें जिसे देख करके कौशल लुढ़ाड़िया को उठाने के भाव आ जाए। जिनवाणी में लिखा हुआ है, इतनी सुंदर वस्तु मुड़राज ना रखे जिसे देख करके कौशल लुढ़ाड़िया का मन मचलने लग जाए कि महाराज जी के पास कितना सुंदर पेन है, हमें मिल जाता। हेलो, तो मतलब वो तो एक और ये निर्गंतों का धर्म है कि इतनी सुंदर वस्तु भी नहीं रखते हैं कि लोगों को उठाने के भाव आ जाए। वे तो सहज उपलब्ध, अब पिच्ची किसके काम की, कमंडलू किसके काम का मेरे मित्र, वो तो सोच उपकरण संयम उपकरण है, जिनवाणी तो अध्ययन के लिए है। ऐसे वेतना की स्मरण जो है, सोने चांदी मोती मणियों की माला लेकर के दिखाते नहीं है कमंडल पर टांग करके। वे तो मित्र अपने सहज स्वरूप की ओर रत्नत्र धर्म को निहारते हैं। ये मोक्ष मार्ग अलग है, दिखावे का मार्ग अलग है ज्ञानियों। ये सत्यार्थ जो मार्ग है वो ये है कि निर्गंत योगी, उनकी मुद्रा ही सबको आकर्षण करने वाली है, अलग से कोई बर्क लगाने की जरूरत नहीं है। जिनकी मिठाई में दम नहीं है, सड़ी सड़ाई से चांदी के बर्क लगाएं, और जिनकी मिठाई में दम है बर्क की क्या जरूरत है। आइए मित्र, कभी कभी पैकिंग में सड़ान भी आती है, इसलिए आप ज्यादा टेंशन में मत आओ। पुराने लोग कहते घाव बांध लो, आज का डॉक्टर कहता घाव खोल के रखो, हवा लगने दो। बोलो कौशल,
अब 5 दिन में ज्ञानी होके ही जाना यहाँ से, ठीक है। कम से कम रिश्तेदारों को पता चल जाना चाहिए कि कौशल ने आज नियम लिया है, तो लोग यूं कहेंगे कि ठीक स्थान पर गया है, नहीं तो जगह जगह जाते तो मात्र महाराज माला पहनवाते, यहाँ माला पहनवाने के लिए नहीं बुलाया आपको, चारित्र की माला पहनाने का। विराजो विवाह जीवश्च। अब यहां पर कह रहे हैं जीव है जीव है जीव है महात्मा संपूर्ण सागर। अब विवेक से सुनना, जीव है जीव है जीव है, कहीं जीव को ना भूल जाए आप। जीव है जीव है जीव है, कहीं जीव को ना भूल जाए आप। देह जीव नहीं है, देह में जीव है। कब तक? जब तक प्राण है। प्राण जाते जीव निकल गया, जीव का निकल जाना ही मृत्यु है। शरीर में जीव का रहना ही जीवित भाव है। अब इतनी संभल के चलो, इतनी संभल के चलो बालको, बेटा किसी गिंजाई पर पैर पड़ गया, आधा हिस्सा उसका कुचड़ गया, घायल हो गया, उसकी अवस्था देखो यूं उचटती है। एक बालक जा रहा था सम्मिश करके पहाड़ पर सुब्र सागर, उसका पैर केंचुए पर पड़ गया, बेचारा दो इंद्रिय जीव ऐसे तड़प रहा था। आपने तो कह दिया गुरुजी केंचुए पर पैर पड़ गया, पर बेटा उसकी तड़पन को तुम देखोगे, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वचन नहीं मिले, तुम जैसे रो रो कर सिसकियां भर के जेल नहीं जा पा रहा है, पुलिस थाने नहीं जा पा रहा कि शिकायत करके आता इनने मुझे कुचल दिया है, कम से कम कर्म की जेल में तो तुमको बंद होना ही पड़ेगा। ऐसा मत सोचे पीयूष ब्रह्मचारी की वो कौन मुझे जेल भेजेगा मेढक, वो बेचारा तिरंत तुमको जेल नहीं भेज पा रहा है, तो इसका मतलब तुम देख के ना चलो, मनुष्य पर तुम गाड़ी चलाओगे तो जेल भेज देगा मित्र तुम्हें कोई सदस्य, लेकिन वो केंचुआ है मित्र, मेढक है, छोटे छोटे जीव हैं, भी तुमको जेल नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत में पहले से नियत जेल है बेटा, प्रमाण से चलोगे कर्म की बंदी की जेल को प्राप्त नियम से होगे। इसलिए पृथ्वी पर पैर रखते समय सोच लेना चाहिए मैं कर्म बंदी की जेल में तो नहीं जाऊंगा, और ये विचार यदि नहीं चल पा रहे हैं तो व्यवहार की बहिर क्रियाओं का धर्म तो भोले तुम अनंत बार कर चुके हो, नहीं करते तो यहां आ नहीं पाते अभी तक। पंचम काल में दिख रहे हो, पंचम काल में दिख रहे हो, इसका मतलब है तुम भावलिंगी मुनि नहीं बन पाए। यदि भावलिंगी मुनि बन गए होते तो 32वें में मोक्ष हो जाया होता, नहीं बन सके। कम से कम इस पर्याय में वर्तमान में इतना विवेक जग जाए कि भावलिंगी मुनि बन पाए न बन पाए, पर भावलिंगी मुनियों पर श्रद्धा करता रहा तो सम्यक दृष्टि तो बन जाएगा। बालक आ रहा, वो मित्र दिल्ली, बेटा समझ कहीं भी योगी मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, गुरु मिल जाए, भगवान मिल जाए, बेटे हमारे रग रग में होना चाहिए, बीतराग धर्म मेरे हृदय से बाहर ना निकल पाए, नहीं निकल पाए। पग पग पर चलने पर दिखाई देता है, सत्य को पालने वालों की संख्या तो बहुत कम है, सत्य को जानने वाले ही बहुत कम है, सत्य को जानने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। किसी ने अच्छी बात बोलने को धर्म मान लिया है, किसी ने स्नान करने को धर्म मान लिया है, किसी ने तालाब नदी के किनारे घूमने को धर्म मान लिया है, किसी ने पर्वतों पर घूमने को धर्म मान लिया है, पर मेरे मित्र जो धर्म था
वो प्राणी मात्र पर करुणा करना, वो धर्म को भूल ही गया। वो प्राणी मात्र पर करुणा करने के उपरांत निशुद्धात्मा पर करुणा करना ही परम धर्म है। उसके लिए गाता सूत कह रहा है, नवी इंद्रियाणी जीवा, अब दृष्टि बदल रही है, नवी इंद्रियाणी जीवा, इंद्रियां जीव नहीं है, इंद्रियां जीव नहीं है। सभी ध्यान दो, भैया मृत्यु देखी किसी की, भैया मृत्यु देखी किसी की, जो मर चुका था उसकी नाक ठीक नहीं, मौन है आपका, भैया मौन है क्या आपका, नहीं है तो बोलो ना, घर में कैसे चिल्लाते हैं, मुझे मालूम है देवी पे कितना बरसते आप। मित्र जिसकी मृत्यु हो गई उसके शरीर में नाक है कि नहीं, बहुत बढ़िया, कान है कि नहीं, ओहो रसना इस पास घ्राण चक्षुष सभी है ना मित्र, तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे, सब है ना। इसका तात्पर्य है, जब तक उसमें आत्मा थी तभी तक सारी इंद्रियां जागृत थी, वो आत्मा के निकलती मुर्दा हुई सारी इंद्रियां, इसलिए इंद्रियां जीव नहीं है, जीव जीव है, इंद्रियां जीव नहीं है। जब जीव शरीर में रहता है तब इंद्रियों से हम जीव की पहचान करते हैं, पर पहचान ही करते हैं, उनसे जीव भोग ही करता है, लेकिन जिससे भोगता है वो भी जीव नहीं है, जीव तो भोगने वाला ही है। नहीं इंद्रियां ने जीवा, मालूम बनासी पंडित जी ये चक्रेश भाई सोचना क्या सोच रहा है, बोले गुरु जी पंचकना चल रहा है, कुछ ऐसी बातें करो जिससे कुछ चटपटी। मित्र ज्ञानी आप भी मेरे पास कई बार आ चुके हो, इससे बड़ी चटपटी बात कौन हो सकती है जिसमें वस्तु के स्वभाव का बोध हो जाए। यही तो अवसर है जीवों को, ये बहुत सारे ऐसे जीव है। अब ये कौशल भाई है बंबई में दुकान चलाता, अपना काम करता होगा, अब वो उसको यहाँ पर समय मिला है, ससुराल कितने बार गए हो आप, ईमानदारी से बोलना, कुशल ससुराल कितने बार गए हो, अच्छा नजदीक है, अच्छा यानी आप कितने बार गए हो, बहुत बढ़िया, खड़े तो जाओ जरा, ये कौन सा इंद्र बना, अरे कुबेर जी इधर तो आओ, मैं तो तेरा खजाना ही तो भरा रहेगा भैया। गहरी बात यह है, जब शुरू शुरू में आप ससुराल जाते थे तब ज्यादा जाते थे कि अब ज्यादा जाते हो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, न मुझे तेरी ससुराल जाना है न तेरे से कुछ, लेकिन आप तो ही बताओ, ससुराल जब जाते थे, जब देवी ससुराल होती है तब ज्यादा आनंद आता है कि देवी घर में हो और फिर ससुराल जाता तब ज्यादा आनंद आता, कुबेर भैया जिस व्यक्ति की पत्नी ससुराल में होती है तब जाने का अलग आनंद आता है आपको, बराबर है ना, और जब पत्नी आपके घर में होती है और जब ससुराल आप जाओ तो थोड़ा सूखापन लगता है। ससुराल में ससुर साहब और सासू जीवित हो तब जाने में अलग आनंद आता है, उनके जाने के बाद सालों के पास जाने में थोड़ा अलग अनुभव आता है, ये सत्य है। मित्र अपनी सासू की बिटिया से पूछना, माँ के पिता के होने पर जो घर में आनंद आता है भाभी के पास जाने में उतनी आनंद आता है, पूछो, पूछ ले यानी यानी अब प्रश्न है, जैसे माता पिता के होने पर बेटी को जो अपने घर में आनंद आता है, माता पिता के वियोग होने के बाद
भाइयों के पास वो आनंद नहीं बचता, क्योंकि भाई अब बहन का अकेला नहीं बचा, भाई के पास पत्नी है, उसका प्रेम द्वित हो गया है। फिर भी कोई बहन रोए ना, क्योंकि जगत का स्वभाव ऐसा ही है, इसमें कोई शंका मत करना। लेकिन भैया इसलिए आपको खड़ा किया कुबेर जी, सारे जगत के जीवों को देखो, सारे जगत के जीव को जानो, पंचकर्ण प्रतिष्ठा में सम्मेल शिखर के अंचल में आप आए हैं, तो मेरे भी इतना सीख के जाना, क्योंकि हो सकता है कि प्रशांत आरा सोच रहा है महाराज जी अभी तक कोई दूसरे महाराज का सानिध्य मिलता, कुबेर के गले में 50 मालाएं होती, चौधरी इंद्र के गले में 1000 मालाएं होती, और साथ में हम अध्यक्ष समिति के हमारे गले में माला होती, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। कुबेर भैया विश्वास मानना, जो तुमको माला डाल करके मात्र पैसे खींच कर तुम्हें घर भेज देंगे, वे तुमको फंसा रहे हैं। मित्र मित्र बिना माला डाले यहाँ पर अभी तुम कुबेर यहाँ के बने हो, ये माला तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगी कुबेर को, यदि आपने सच्चा जैन धर्म जान लिया। मैंने इसलिए भैया आपको खड़ा किया है, यहाँ पर आपके ससुराल के लोग भी बैठे क्या? कोई भी नहीं है। अच्छा, तो कौशल के ससुराल के हैं, कौन है वे? मुझे मालूम है, वो चेहरा कह रहा है, बेचारा घबरा रहा है। आप छोटे हो कि वो छोटा है? आप बड़े हो ना, बड़े होने पर भी अब भाई दामाद है, कुंवर है, तो उसके सामने घबराना पड़ रहा है, जबकि बड़े बड़े हुए हैं, तो मुझे मालूम चल गया कि ये साला हो सकता है। मित्र विषय पकड़ना, कुबेर जी कभी कभी ससुराल आप जाते तो होंगे, बहुत दूर ससुराल आपकी, आप कहाँ रहते हो? बाप रे, इतनी दूर है, तो 1500 रुपये खर्च तो हो ही जाते होंगे किराए में, है? 10,000 रुपये खर्च होते। ओहो, ऐसी खर्चीली ससुराल है भैया की, कि एक बार जाने पर 10,000 खर्च होते हैं, और फिर जितना बड़ा कुबेर ना, तो फिर वहां पर कुछ वैसी सामग्री भी लेके जाना पड़ता होगा। मित्र 10,000 खर्च करके तुम ससुराल गए, और सासू मायने माँ ने 4 दिन की पुरानी रोटियां परोस दी। कुबेर भैया सासू माँ ने 50 दिन सड़ी साग जो उसमें रखी थी फ्रिज में, वो कहते कुंवर साहब अभी आज यही है। तो ईमानदारी से आप बताना, तुम्हारा मन क्या बोलेगा? बाप रे, 10,000 खर्च करके आए, और आज सोच रहे थे हो सकता मेरी देवी तो घर में कहती थी मेरी माँ ऐसा बनाती है वैसा बनाती है, ना बाटी ना चूरमा, ये तो 4 दिन की बासी रोटी खिला रही है। अब सोचो मित्र, उस दिन तुम खुश होगे कि रोगे मन में? ईमानदारी से बोलो, आप घबराओ नहीं, लड़ाई नहीं होगी, कम से कम उन्होंने अपनी माँ के पास समाचार तो भेजेगी, बोले माँ मेरा सौमी 10,000 रुपये खर्च करके आया है, और आप उसके लिए बासी रोटी खिला रही हो, सही है ना भैया? 10,000 खर्च करके कोई ससुराल जाए, सभी माताएं ध्यान से सुनना, बेचारा 10,000 खर्च करके अपने ससुराल गया दिल्ली, कहाँ? बंबई से दिल्ली 10,000 खर्च करके गया, और सूखी सूखी रोटियां 4 दिन की खिलाए माँ सासू, तो उसका हृदय रो पड़ेगा, सत्य ना भैया? मन ये करता है, बंबई से आया हूं दिल्ली तो कम से कम दिल्ली का हलवा तो खिलाती, दिल्ली का हलवा तो खिलाती, बाकी बातें छोड़िए मुझे सब मालूम है, मालूम दिल्ली का हलवा तो खिलाती, इसने तो सूखी रोटी खिलाई आसी। ओह नहीं, आसी को मैंने इसलिए बोला, विशु का तो गांव है, वो आसी का नानी का घर है, तो दोनों जब गांव जिसका होता ना उसको उतना मजा नहीं आता, वो नानी के घर जाए तो वो जरूर सोचते बोले चांदनी चौक पर मेरी नानी रहती है तो हलवा तो खिलाएगी। यहाँ विषय पकड़ना, हलवा मत चले जाना कुबेर भैया, विषय ये है
कि 10,000 रुपए खर्च करके व्यक्ति ससुराल जाए और सूखी सूखी रोटी खिलाए सासू, तो मन रोएगा। और जब आने लग गए ना तो कहती है, बेटा अब कुछ देने को तो है नहीं है, ऐसा करो आप, एक भतीजा दुखी है इसको पैंट शर्ट और तुम खरीद के दे दो। फिर बेचारा सोचेगा बस अंतिम ससुराल है, बस हमारा विषय हो गया, अब क्या है, कितना क्यों बोला। इसलिए बोला 10,000 रुपये खर्च करके ससुराल गया, सूखी रोटी खाने को मिले। ये लोग दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से कहाँ कहाँ के श्रावक यहाँ आए हैं, हजारों खर्च करके आए हैं, वही सासू बहू बेटे की बातें सुनने को मिले, तो क्या लाभ सूखी रोटियाँ, जिनवाणी पीने को ना मिले, जिनवाणी सुनने को ना मिले, तो तुमने लाखों खर्च क्यों किए। ये नाच गान तो शादी विवाह में भी हो जाते हैं, नाच गान तो चक्रेश शादी विवाह में भी हो जाते हैं, हैं? ये नाच गान तो शादी विवाह में भी हो जाते हैं मित्र, नाच गान के साथ शादी विवाह में मात्र नाच गान होता रहे और विदाई में कुबेर तेरी शादी हुई मित्र और नाच गान खूब हुआ, लेकिन ससुर साहब ने कह दी बस जाओ। बोले बरात के लोग, बोले बिटिया भेजो ना, बोले वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बस आप आ गए जाओ। अब बोलो क्या हो, क्यों गए थे, जब नाच गान हो गया, बरात के बैंड बज गए और मेरे मित्र शादी में पुत्री वधु न मिली ससुर साहब को और आपको पत्नी न मिलती तो कैसा चेहरा होता। ऐसे पंचकण में तुम नाच गान करने आ गए और तीर्थंकर देव की दिव्य देशना का सार नहीं मिला आपको, तो मेरे मित्र वहां गए क्यों थे। ठीक है भैया बैठ जा, वो कौशल कुछ कह रहा है, वो ये कह रहा है जो हमने नियम लिया वो हमारे साले साहब को भी दिला दो, कितना आपका हितेशी है भैया, उसने ले लिया, अब तुम दीदी से बोलो, बोलो जीजाजी ने तो नियम ले लिया, ले लो मित्र, ये जैनी लोग हैं पापी नहीं है, सबने नियम ले लिया, ले लिया ना बैठ साहब। पंडित जी काने से काना मत कहना बुझे रूठ, धीरे धीरे पूछ लो राजेश कैसे गए ये फूट। आइए ये इंद्रियाणी जीवा पूरे छप यारा पंडित्ता, जो इंद्रियाणी जीवा छपने पंडित्ता, जो एक इंद्री आदि 6 प्रकार के जो जीव कहें षटकाय के जीव विभार नैश। शास्त्रों में जम हवदी तेजु नानम, परंतु उनमें जो ज्ञान है जीवोति तम प्रणुवंती, उनमें जो ज्ञान है वही जीव है, जिनमें ज्ञान है वही जीव है, देह जीव नहीं है, ज्ञान से युक्त आत्मा जीव है। इमे एक इंद्रियाद्या, ये एक इंद्रिय आदि पृथ्वी कायक आदिया, पृथ्वी कायक आदि जीव पुगल परम परस्पर अवगाह और लोक्या, जो एक इंद्रिय पृथ्वी कायक आदि जो जीव कहे जाते हैं, वे जीव जो हैं अनादि जीव पुगल पर अवगाहण, अनादि से जीव पुद्गल का परस्पर अवगाह है, इस कर्म नो कर्म का संबंध है, अवगाह होने से देख करके विभार ने से जीव प्रधान जीवा, विभार ने से जीव के प्रधान द्वारा इसको मुख्यता से जीव कहते हैं विभार ने से। लेकिन इति प्रज्ञाप्ते निश्चयन तेषु, परंतु निश्चयन से स्पर्शादि पृथ्वी आपते काय जीव लक्षणा, पृथ्वी जल अग्नि काय वायु बृहस्पति और त्रस दो इंद्रियादि जीव लक्षण भूत चैतन्य स्वभाव न जीव होती। जो जीव निश्चय से इस प्रश्न आदि इंद्रियां पृथ्वी आदि काय जीव की लक्षणभूत चैतन्य के अभाव के कारण
चैतन्य के अभाव के कारण जीव नहीं है, इनमें चैतन्य का अभाव है। भैया जिसकी मृत्यु हो गई उसमें चैतन्य का अभाव है, सही है। आपका नाम क्या है भैया? दिलीप। अजमेरा जी, क्या नहीं, मैंने इसलिए आपको खड़ा किया है, मुर्दे में जीव का अभाव दुनिया जानती है। दिलीप, जो जीव मर गया है उसमें जीव नहीं है, शरीर जीव नहीं है, ऐसे कहने वाले दिलीप भैया पंडित लाखों हैं। जब इसमें जीव है तब भी इसे जीव नहीं मानने वाले पंडित अगुलियों पर गिनने लायक है। मर करके दिलीप भैया हर व्यक्ति का शरीर कोई बहा देता, कोई गाड़ देता, कोई जला देता है, उसे जीव नहीं मानता, उससे मेरा कुछ नहीं बनने वाला। दिलीप, जब तक मैं जीवित हूं, कोरोने की चपेट में आपने लाखों लोगों को इस बारे में सुना है, भैया भैया चाहे पंडित हो चाहे त्यागी हो, चाहे सामान्य हो चाहे नेता हो, सबकी क्या गति हुई है, बोरे जैसे बांध बांध करके कैसे पटका गया है वो। क्या दिलीप आपने नहीं सुना? अजमेरा जी नहीं सुना? यदि सुना है तो मित्र जितने हम बच गए हैं इसलिए नहीं बचे कि और पाप कर लें, तुम इसलिए बच गए हो। ऐसे पंचणक मनाओ और ऐसे काम करो कि मेरा भी कल्याण हो जाए। इसलिए आपसे ये नहीं कहूँ कि परस छोड़ दो, दिलीप मैं आपसे ये कह रहा हूँ कम से कम अपने जीवन में इतना तुमने सब कुछ कर लिया है, अपने 24 घंटे में एक मिनट का खर्च कर सकते क्या? यदि आपको मैं मित्र दिख रहा हूं तो मेरी बात को सुन लो, यदि मुझे आप मित्र बना रहे तो मैं आपसे मित्र कह रहा हूं, मित्र मेरी छोटी सी बात मान लो। किशोर पाड़े, मित्र मैं मित्र कह रहा हूं, वो भैया से अजमेरा से अगर मुझे मित्र मान के मेरी बात को स्वीकार कर लो, आप अपने 24 घंटे में से घड़ी लगा करके एक मिनट अपने को दे सकते हो क्या स्वयं के लिए? उस शम के लिए जब एक मिनट दोगे उसमें भगवान नहीं आना चाहिए, उसमें गुरु भी नहीं आना चाहिए, उसमें शास्त्र भी नहीं आना चाहिए, फिर पांच पाप का तो कहने ही क्या है। जब मैं एक मिनट आपको यूं कहने देव नहीं आना चाहिए, शास्त्र नहीं, गुरु नहीं आना चाहिए, फिर पांच पाप तो आ ही नहीं सकते। अजमेरा जी, उस एक मिनट में मात्र आपको किसको बुलाना है? मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, देह में हूं। अहो ज्ञानी, मैं देह नहीं हूं, देह में हूं, फिर भी देह नहीं हूं। बोलो जरा, मैं देह नहीं हूं, देह में हूं, देह में हूं, फिर भी देह के नाश पर मेरा नाश नहीं होगा, देह के नाश पर मेरा नाश नहीं होगा। बर्तन के फूटने से पानी नहीं फूटता, मेरे मित्र शरीर के नाश से आत्मा का नाश दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। मित्र जले नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे नहीं पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा। इतनी सी बात के लिए आपको प्रतिदिन 24 घंटे में एक मिनट दोगे पक्का? इन्हें गलत काम कर लिया? यदि अच्छा काम किया है तो भैया नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। अजमेरा जी आप विश्वास में, आपको भी याद रहेगा कि कोई कौशल की माँ ने तुमको बुलाया था। यदि इन्होंने अच्छा किया हो तो वो काम आप भी कर सकते हो। किशोर भैया, इन्होंने अच्छा किया है?
ठीक है फिर। अब मित्र, बड़े बड़े त्यागों से महात्याग व्रत आपने लिया है, रोटी त्यागना पानी त्यागना इससे कठिन नियम आपने लिया है, क्योंकि आपने रोटी पानी भर का त्याग नहीं किया है। आप जिससे रोटी पानी पीते हो ना, उस शरीर को ही आपने भिन्न करने का नियम लिया है। ये भेद विज्ञान का नियम है, और भेद विज्ञान के बिना आज तक कोई सिद्ध हुआ है नहीं और होगा नहीं। इसलिए आचार्य मनसन स्वामी ने कहा है, हवाबत जी, जमुनालाल जी, मित्र, इन्हें विकल्पों मत पढ़ो, कौन किस पद पर है, अब तुम उस पद की व्याख्या करो जो अरहंत सिद्ध के पास है। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल केचन, तस्से भाव तो बद्धा, बद्धा एकिल केचन। जितने सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान से हुए हैं, और जितने बंध रहे हैं भेद विज्ञान के अभाव में बंध रहे हैं। विराजो दोनों, ये भैया ने, अजबेरा ने ठीक नियम लिया भैया, जमुना प्रसाद जी, जमुना लाल जी, भैया ये अजबेरा ने ठीक नियम लिया, बहुत बढ़िया। ले लो सबके सामने भाई, ये महासभा के सदस्य के लिए जरूर फोटो खींच लो, ये नियम ले रहा है इस बात का, किस बात का, बहुत बढ़िया। जब मैं देह नहीं हूं तो जगत के दुनिया के पद में कैसे हो सकता हूं, सब पर वस्तु, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। इमें निश्चय ना ईश्वर आदि पृथ्वी आदि जीव लक्षणा भूत चैतन्य स्वभाव जीव होती थी, जो निश्चय से तेषो ईश्वर साधि जो इंद्रिया है पृथ्वी आदि का है, जीव लक्षण भूत चैतन्य स्वभाव अभावा, इनमें जीव के लक्षण भूत चैतन्य स्वभाव का अभाव है। किसमें? इस देह में। जीवा ना भवंती, इसलिए वे जीव नहीं है। तेसुपि यस्य परछित्ति रूपेण, उनमें जो सुपर छित्ति, सुपर को जानने की जो क्रिया है, प्रकाशमानम ज्ञानम, जो प्रकाशमान सुपर को जानने की, सुपर को प्रकाशमान करने की क्षमता जिसमें है, उसका नाम है ज्ञान। सुपर को कौन जानता है? ज्ञान। जो ज्ञान है तदेव गुड़गुणिनो, उसी गुड़गुड़ी में कथंचित भेदा जीव प्रमृति, कथंचित अभेद जीवत्व रूपेन्त थी, कथंचित अभेद होने से शुद्ध निश्चय से जो यतेन्द्रिय केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप जो अवस्था है वही जीव है। अभेद के कारण जीव रूप से प्रूपणम किया जाता है, किसको? ज्ञान ही जीव है, ज्ञान ही जीव है, देह जीव नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, इस देह से जितने भोग भोग रहे हो इतना विवेक रखना, इंद्रियों से भोग रहे हो पर ज्ञान कह रहा है मेरे बिना तो भोगों का भी ज्ञान नहीं हो सकता। अबरल भाई बेटा, समझ, कपड़े उतारने मास्टर के लिए मत आना, कपड़े उतारने के लिए मात मत आना यहाँ पर बेटा, अंदर के विकारों के साथ पंत परंपराओं के राग के कपड़े उतार के आना, अन्यथा बालक यहाँ का आनंद नहीं लूट पाएगा। महिपाल पंडित जी कहाँ गए? अतिन्द्रिया पृथ्वी आई, बस आपका समय हो गया। निश्चय ने जीव स्वरूपम नभवंती व्याप्ति, निश्चय जीव स्वरूप कहते हैं, इंद्रियाणि जीवा नभवंती, इंद्रिया जीव ने न केवल इंद्रियाण पृथ्वी का है, षट प्रकार प्रज्ञप्ता, ये छह प्रकार कहे परमागम में, तेपि तरही किम जीवा, तो जीव क्या है? भवती तेषु मध्य ज्ञानम जीवती, उनके मध्य में जो ज्ञान वही जीव है, तद प्रूपयंती थी, तद्यथा अनुपचरित अशद्भूत वारणे स्पर्शादि द्रव्यन्द्रियाणम तथैव अशुद्ध निश्चयन लब्ध उपयोग रूपण भावेन्द्रियाणि यद्यपि जीवा भंडन्ते, अनुपचरित अशद्भूत वारणे से स्पर्शादि द्रव्यन्द्रियों को तथे वो जीव का है, तथे अशुद्ध निश्चय से लब्ध उपयोग भाव इंद्रिय को जीव का है,
तथैव फिर भी विभार ने से कहा है पृथ्वी आदि षटका तथापि शुद्ध निश्चय न परंतु शुद्ध निश्चय से अतीन्द्रिय अमूर्त केवल ज्ञान अनंतर्भूतम जो केवल ज्ञान के अंतर्भूत अनंत सुखादि गुण कदम्ब का अनंत गुणों को समूह जिसमें है ऐसा जीवती सूत्र तात्पर्य वही जीव है बाकी सब अजीव है शेष आगे विचार करेंगे एक गाता सूत्र उच्चारण कर लो जाएंगे कल 122वीं गाथा की अपन व्याख्या करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि और क्या है जान दी पशुदी सुखम भी भेद दुख खाधो कुबदीम महिदंबा भुंजद जीवो फुलम तेषिम ज्ञानियों इस गाथा सूत्र को आगे विचार करेंगे आत्मं स्वभावं परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की नमोरिंताणम नमोस्धाणमो आर्याणम मोज्झाणु सौषाणम तो प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचारण स्मृत्यार्थम भाव प्रियंदन स्तोष्मीतम श्री श्रुत भक्ति काश्यम कुर्वे हम जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग ऐसे आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी श्री पदम चंद जी छाबड़ा श्रीमती उषा देवी श्री कैलाश चंद्र जैन श्रीमती आकांक्षा जैलेश जैन एवं कुशल जैन समस्त परिवार कोलकाता पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण टीम अनुराग भैया सीहोरा 9630555001 वैभव जैन बड़ा मनेरा 9977433433